हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ अपने चैनल में लव फॉर गार्डन में। आज बेसिकली जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है प्लांट डोंट टच मी प्लांट, मतलब हम उसे छुई मुई का पौधा कहते हैं, छुई मुई का प्लांट कहते हैं। ये उसके सीड्स हैं, इसके सीड्स तकरीबन बिल्कुल काली मिर्चों जैसे लगते हैं, बस उनसे कुछ साइज़ में छोटे हैं और थोड़े टूटे फूटे से हैं, इस तरह के सीड फील होते हैं, लेकिन लगते बिल्कुल ब्लैक पेपर के सीड जैसे हैं। इस प्लांट को 100% कंपोस्ट में ग्रो करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वाइल्ड प्लांट है, जंगली प्लांट है। ये जंगलों में भी वहीं पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्ते, सूखे सड़े पत्ते जैसे प्लांट्स का जैसे कंपोस्ट बन जाता है, जैसे टहनियाँ, पत्ते, स्टेम वगैरह डिकम्पोज होकर जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे ये ऑटोमेटिकल जनरेट हो जाता है, वहाँ पे इसकी सीडलिंग खुद ब खुद हो जाती है। नेचर में तो कोई नहीं ना लगाता जाके इसको, इसलिए आपको इसके, ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है, आपको इसके थोड़े, अगर आपने इसको घर में ग्रो करना है या पॉट में ग्रो करना है तो आपको इसके नखरे थोड़े से उठाने पड़ेंगे, आपको 100% कंपोस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। अब ये देखें मेरे पास 100% कंपोस्ट है और उसके ऊपर कंपोस्ट मैंने पॉट के नीचे डाली है और ऊपर मैंने थोड़ी सी 1-2 सेंटीमीटर की बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल डाली है ताकि इसकी सीडलिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए और उसके बाद जो इसको मीडिया मिले, सॉइल मीडिया मिले, वो इसका ओरिजिनल कंपोस्ट वाला मीडिया हो। इसके सीड जो हैं वो आपको मार्केट से मुश्किल से ही मिलेंगे, बाई चांस जो हमारा एरिया है वो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और इसके सीड जो हैं जैसे देसी किकर की फली होती है, ऊपर से अगर उसको हम हाथ से थोड़ा क्रश करें तो इस तरह के सीड्स हमें इस प्लांट के मिलते हैं, इसका भी बिल्कुल यही सीन है। अब आप इसको ग्रो कैसे करना है कि आपने पॉट की सॉइल को हल्का हल्का मॉइस्ट कर देना है, थोड़ा सा बिल्कुल शावर कर देना। ये देखिए मैंने थोड़ा सा शावर कर दिया और थोड़ा सा 20-25 मिनट तक उसको अब्जॉर्ब भी होने दिया पानी को। अब आप इसके सीड्स को लें, इसके सीड्स आप इस तरह बिखरा दें, ये हमारी तरफ बहुत ज़्यादा होता है आजकल, इसका दोबारा ट्रेंड आ गया। जब हम स्कूल कॉलेज लाइफ में जा रहे थे तो उस वक़्त इसको हम छुई मुई का पौधा कहते थे, ये हाथ लगाने पे बहुत सेंसिटिव होता है, अपने पत्ते और अपना स्टेम और अपना ब्रांच बिल्कुल क्लोज कर लेता है। ये देखिए हमने इसके लगा लिए, हमने इसकी सीडलिंग कर ली है। आपने पॉट को पहले वेट करना है, बिल्कुल नॉर्मल सा वेट करना है। वेट करने के बाद किसी थोड़ी सी नोकदार चीज से ऐसी मट्टी मट्टी सी ऊपर उठा लेनी है, यानी सॉइल को थोड़ा सा अनइवन कर लेना है। उसके बाद आपने इसको 100% कंपोस्ट, जो बिल्कुल आपके पास पाउडर फॉर्म में होगी, जो बिल्कुल 100% होगी, उसको इसके ऊपर इस तरह करके स्प्रिंकल कर देना है। ऐसे स्प्रिंकल करके और ऊपर से हल्का हल्का प्रेस कर देना है। ये प्लांट सेंसिटिव है, लेकिन जर्मिनेशन के बाद सीड्स इसके बहुत हार्ड होते हैं, इसको कोई इतनी टेंशन नहीं है। अब देखें ये हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया है, बिल्कुल बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, इसके बहुत और ख़ूबसूरत भी लगता है। जब इसकी सीडलिंग हो जाएगी, इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी, तो अपने 10 से 15 दिन के बाद जब ये स्टार्ट होगी इसकी जर्मिनेशन, उसको फौरन इसको दूसरे पॉट्स में कन्वर्ट कर देना, मतलब एक पॉट में ये सर्वाइव नहीं करेंगे। आपको इस, अगर फ़र्ज़ करो आपके प्लांट हो जाते हैं 30 से 40, तो आप उसको एक पॉट में 10 प्लांट रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रखने, वरना ये सारे के सारे डेड हो जाएंगे। और ये किसी भी सीज़न में उगा सकते हैं, अगर आपके पास जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई चल रहा है तो बहुत आइडियल है, आप फ़ौरन से इसको ग्रो करें। और ये 6 से 7 से 8 महीने प्लांट चलेगा, उसके बाद इसकी थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर दोबारा ये जाके दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। ये बहुत प्यारा प्लांट है, आप ज़रूर इसको ग्रो करें। अब देखते हैं हम इसके रिजल्ट क्या। अच्छा, आपने इसको शेडिड एरिया में रखना है, यानी जहाँ पर ज़्यादा धूप ना हो, मतलब ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। अब इस, मेरे लिए ये आइडियल ये है कि मैं अपने रूम की इसको विंडो के सामने रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने और भी प्लांट्स जो सीड से जर्मिनेट होने वाले हैं वो रखे हुए हैं, इनका भी वेट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे 3-4 घंटे की हल्की हल्की धूप आएगी, ग्रीन शीशा लगा हुआ है उससे वो ट्रांसपेरेंट इतना नहीं होता, इसको हल्की हल्का थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी, थोड़ी सी इसकी जर्मिनेशन फास्ट हो जाएगी। अब देखते हैं क्या रिजल्ट है। आप इसको शेडिड एरिया में रख लें, बेशक विंडो के सामने रख लें, और पानी इसको आपने आज नहीं देना, इसको अगले दिन पानी देना और हल्का हल्का शावर करना है, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं।
जी ये देखें रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसको मैंने ये अपने विंडो के सामने रख दिया था जहाँ से हल्की हल्की धूप भी आती है, और यानी सनलाइट डायरेक्ट नहीं आती लेकिन आपको फील होता है कि रोशनी आ रही है सूरज की। कहीं आपने ऐसी जगह रखना है। हमने इसको मज़ीद यहाँ पे 5 से 10 दिन रखना है ताकि ये थोड़े मेच्योर हो जाएं, थोड़े हेल्थी हो जाएं। उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट धूप में रखना है, फुल डायरेक्ट धूप में सनलाइट के सामने। इसको कभी भी कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना। जब भी आपका दिल करे एक मुट्ठी कंपोस्ट लें, इसके पॉट में डाल दें, ये इसके लिए वो भी बहुत है। आपने इसको पानी भी बहुत कम देना, बस आपको लगे कि इसकी सॉइल बहुत हद तक ड्राई हो गई है तो आप इसको पानी दे सकते हैं। इसके लिए आइडियल सीज़न है जून जुलाई का। अगर आपके पास जून जुलाई चल रहा है तो आप उसमें इसकी सीडलिंग करें, और ये आइडियल है बिल्कुल। और ये आप ज़रूर अपने घर में लगाएं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने सेंसिटिव हैं, और ये वाइल्ड है, ये वाइल्ड वाले हैं। देखिए कितने सेंसिटिव हैं, ये देखिए फ़ौरन क्लोज हो जाते हैं। ये देखिए अभी ये छोटे छोटे से अनमेच्योर पौधे हैं। आपने इनको शिफ्ट करना है तो कम से कम अभी 10 दिन आपने वेट करना है, उसके बाद आप इनको शिफ्ट करना, नहीं तो ये इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इनकी रूट्स ज़रा और डेवलप हो लेने दें। ये देखिए आपके सामने, देखिए ये वाइल्ड वाले हैं और ये सारे के सारे बंद हो जाती हैं। ये देखिए तकरीबन कोई ऐसा पौधा नहीं है जो बचा हो। देखिए हाथ लगाने से ही, इसलिए तो इनको छुई मुई कहते हैं। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट, ये देखिए ये सारे के सारे छुप गए हैं। जैसे अब ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद दोबारा ये जाग जाएंगे। जिस तरह अगर आप सो गए हैं तो ये दोबारा जाग जाएंगे। आपके आपने अब इसको एक पॉट में आपने कम से कम 10 प्लांट्स सर्वाइव करवाने हैं। 10 प्लांट्स को एक पॉट में लगाना है। अगर आपके पास ओपन स्पेस है तो आप इस तरह के पॉट में एक एक प्लांट लगाते जाएं। ये इसकी रूट्स जो हैं वो बहुत जल्दी डेवलप होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस तरह के पॉट में आपका एक प्लांट ईजिली रह सकता है, 3 से 4 साल चलेगा, आपको कोई इशू नहीं। आपने इसको जब भी देनी है कंपोस्ट देनी है, पानी बहुत थोड़ा थोड़ा सा देना है, और इसकी केयर इतनी मुश्किल नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप के अंदर रखना है जहाँ डायरेक्ट होगी। अब इसकी अगली अपडेट हम आपको 30 से 40 दिन बाद मैं आपको दूंगा, जब इनको मैं सबको अलग अलग पॉट में कर लूँगा, अपने घर ले जाऊँगा, तब आपको अपडेट देंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।